क्यों बोली करे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब ते बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब एक मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब न होगा पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं, गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़ गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धोलरा और मंडी चिती पोले, एक हरी के नाम बनायू काल मार रहा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्मा। कहते तेने बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, दो दो तीन तीन मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यु काल त्रि रोल मार रहा है, तेने मूर्ख बना रहा है। एक सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गदा बनकर घूम रहा होगा, कुमार तेरा लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, गर तो साढ़े तीन हाथ वही घना तपोने चार। परमात्मा कहे हैं के खुशी मना रहा है, लंबी लंबी चार दुवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि गरता साढ़े तीन हाथ घना तो पौने चार। और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर साढ़े तीन हाथ का होता है, होंठ हाथ कहते हैं, होंठ हाथ साढ़े तीन हाथ। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो छह कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता कोई से मसोले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो, जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, एक दो कमरे चार जिसे तेरे बना ले, और ना ब्योता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रह सकते हैं, पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज फलदार, नो के नो सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। घना जरूरत नहीं है बकवादों की यदि तुमने
यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है। तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, फिर परमात्मा कहते ज्यो राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे अपने सुख कार दे कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है 3.5 हाथ और 4.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको, ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।